अपने सांस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बनारस गए एक व्यवसायी के वसुंधरा कॉलोनी स्थित सोने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वसुंधरा कॉलोनी में रहने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के संचालक अशोक खत्री के सोने घर में चोरों ने धावा बोल दिया और ताला तोड़कर मकान में दाखिल हुए। अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे लगभग 30 तोले सोने के जेवर और नकद 1.5 लाख रुपए समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब अशोक खत्री अपने परिवार सहित अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बनारस गए थे और जब वो वहां से आज वापस लौटे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार रात और सोमवार रात को हम घर पे नहीं थे, ताला लगा हुआ था। इसी बीच कोई आया है और ताला तोड़ के अंदर पूरे करीब करीब 28-30 तोला सोना और करीब 1.5 लाख की नकदी पूरा घर साफ करके गए हैं। और रात को आए तो दरवाजे खुले हुए, लाइटें जल रही थी, मेन गेट को लांग करके आए, वो ताला वैसा का वैसा है, उस पर कोई असर नहीं आया। तो बाहर से आने पर तो महसूस नहीं हुआ, जब अंदर आए हैं तो पूरा देखा तो बहुत एकदम से हमें गश आने लगा। बगल में हमारे छोटे भाई हैं, उनकी भी वही ससुराल है, वो घर भी खाली था, वहाँ पे भी कोई नहीं था, तो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं पड़ी। ठंड का मौसम है तो रात में सुनसान के कारण उसका मौके का फायदा उठाया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।